पाकिस्तान की क्रिकेट टीम न्यूयॉर्क तो पहुंच चुकी है और आपको पता है कि जुम्मे का जो प्रैक्टिस सेशन था वो भाई लोगों ने कहा कि नहीं हम रेस्ट करेंगे, हमारा अच्छा खासा जिसे कहते हैं कुटाई लग चुकी है तो टकोर शकोर में एक दिन तो जाएगा। एक प्रैक्टिस सेशन उधर निकल गया, जो एक हफ्ते का प्रैक्टिस सेशन है वो सैटरडे वाले दिन का, वो 3 घंटे का है, वो सेंटीक पार्क के अंदर होगा और वो 3 घंटे में अब आई डोंट नो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम क्या क्या ही कर लेगी। वो कहते बताया जा रहा है शायद शॉर्टन किया गया फॉर सम रीजंस या कुछ इस तरह। नज़ा काउंटी का जो पार्क है आइजनहार पार्क के अंदर जो फैसिलिटी है जहाँ पर मैच होना है पाकिस्तान और इंडिया का, उस ग्राउंड में तो आपको पता है कोई ख़ास इतने इंतजाम हैं कोई नहीं प्रैक्टिस वगैरह के, वहाँ तो बस डंग डपाव काम है ना। तो अब इंडियन क्रिकेट टीम ने भी ये जो प्रैक्टिस फैसिलिटी थी उसके बारे में अपने तहफ़ुज़ात का इजहार कर दिया था। उन्होंने कहा कि फारग है, एवरेज है यार ये सब कुछ। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम भी उसी जगह के ऊपर प्रैक्टिस करेगी और मैं हैरान हूँ कि वो हमारे कुछ प्रिंट मीडिया के लगे हुए हैं वो इंटरनेट न्यूज़पेपर टाइप के कि प्रैक्टिस ही नहीं होगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और एक ने तो पता नहीं वो सेंटीक पार्क का पता नहीं कॉन्टैगनो पार्क के क्या बना दिया, अभी इतने क्या जल्दी से लिखने की भाई, और पहले स्पेलिंग तो चेक कर लेता यार, रिलैक्स क्या हो गया है यार, बम नहीं फटा भाई, तुम दस्ती माइक लेके नासों में बढ़ जाया करो कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, स्पेलिंग देख लिया करो, ये सेंटीक पार्क है उसके स्पेलिंग जो है वो जाकर किसी और वेबसाइट से कॉपी कर लेते, अपनी तरफ से गलत लिख लुख के जनाब चढ़ा दिया वेबसाइट के ऊपर। ये तो इनकी जिसे कहते हैं जर्नलिज्म का हाल है। खैर यार इस मैच के लिए पाकिस्तान क्या ही प्रैक्टिस कर लेगा, मतलब कितनी आप प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सारा दिन भी प्रैक्टिस कर लेना तो जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो एक इंटायरली डिफरेंट किस्म का एटमॉस्फेयर बन जाता है। नर्व्स की गेम होती है, प्रेशर की गेम होती है, इसमें 100 अप्स एंड डाउन्स आते हैं। मौजूदा जो अगर मैं ठीक है पैट्रियटिज्म के हिसाब से बात करूँ, इंडियन क्रिकेट फैंस कहेंगे कि भाई इंडिया जीतेगा विद ईज, कोई ऐसा चक्कर नहीं है। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस डिस्पाइट द फैक्ट कि हम यूएसए से हार चुके हैं वो स्टिल कह रहे हैं कि भाई इंडिया से पाकिस्तान जीत जाएगा। वो यहाँ तक मतलब लेवल यहाँ तक है दोनों के क्रिकेट फैंस का। और सिद्धू पाजी ने भी अभी एक मैं उनका देख रहा था वीडियो, उसमें भी उन्होंने यही बात की कि पाकिस्तान इंडिया का तो चक्कर यह है कि वो दोनों कंट्रीज़ के जो क्रिकेट फैंस हैं वो कहते हैं भाई तू सबसे हार जा कोई मसला नहीं है, वो आपने पाकिस्तान से नहीं हारना। पाकिस्तान वाले कहते हैं भाई एक इंडिया से जीत जाओ फिर सुपर एट में भी ना जाओ, सेमीफाइनल में भी ना जाओ, फाइनल में भी ना जाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो राइवलरी ऐसी है ना, या कह दें आप राइवलरी ऐसी बना दी गई है, उसमें मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है, उसमें जो एडवर्टाइजमेंट करने वाली एजेंसीज बड़े बड़े जायंट्स हैं ना, एड्स वगैरह चलाने वाले एंड ऑल दैट स्टफ, उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी तो यार चांदी हो जाती है भाई इस मैच में। ब्रॉडकास्टर्स की जो चांदी होती है वो तो आपकी सोच है, यकीन करें इतना पैसा मेरे और आप जैसे एक आम आदमी के पास आ जाए हमारी ऑनेस्टली 10 पीढ़ियां बैठ कर अपने घरों में खाएं। इतना पैसा पाकिस्तान इंडिया के एक मैच से ये सारे कमाते हैं, वो मैच ही ऐसा होता है यार, उसकी हाइप ही ऐसी है। तो अब प्रैक्टिस सेशन अब ठीक है 3 घंटे में जो थोड़ी बहुत करनी है आप कर लें, जो बाकी मामलात हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं। पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है टोटली आउट ऑफ शेप नज़र आ रही है, जो लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट यार देखो पता है क्या, क्वालिटी क्रिकेट 100% अगर पैरामीटर है एक क्वालिटी क्रिकेट का हम बात करते हैं इस तरीके से, आपको इंडिया 100% क्वालिटी क्रिकेट खेलता हुआ नज़र आता है, ऑस्ट्रेलिया 90 पे है, न्यूजीलैंड चलो 80 पे, अफगानिस्तान 90 पर है, इस तरह आपको ना आपको क्रिकेट देखकर पता चल जाता है कि यार ये क्वालिटी क्रिकेट खेली जा रही है, आपको वाइब्स आ जाती हैं, आपने इतनी क्रिकेट देखी हुई है हम सब लोगों ने जो मुझे देख रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में, कि आपको देख के पता चल जाता है यार ये क्वालिटी क्रिकेट हो रही है। पाकिस्तान की क्रिकेट में क्वालिटी नहीं आ पा रही, एशिया कप से ऑनवर्ड्स हमारी क्वालिटी फारग हो गई है और मसाइल वही हैं एशिया कप से ऑनवर्ड्स वाले, मसाइल कुछ नहीं छुपे सर, मसाइल अभी भी जूं के तूं कायम हैं। ये वर्ल्ड T20 से पहले आपको बाबर आजम एमए नहीं इनकार कर रहा था कि मुझे कप्तान नहीं बनना, वो एमए नहीं इनकार कर रहा था, उसकी बहुत रीजंस थी और वो उसको ये जो लोगों ने इन्होंने ज़बरदस्ती बाबर आजम को कप्तान बनाया, इन्होंने बाबर आजम के साथ ज्यादती की है, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ आपको, वो जो क्योंकि अवाम की तो इनमें से किसी को परवाह है, एस एच है कोई नहीं, जो साफ सी बात है,
तो आप टीम की पल्स देख लेते, पीसीबी के, मैं सिलेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, मैं चेयरमैन साहब की बात कर रहा हूँ, सर आप ना टीम की पल्स देखते कि वो क्या कह रहे हैं, और वो किसी और कोई कप्तान बनाना चाहती थी टीम, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है, नाम मैं नहीं लूँगा लेकिन आप सब जानते हैं कि टीम वाले किसको कप्तान बनाना चाहते थे, तो आपको उसी बंदे को कप्तान बनाना चाहिए था, और वो बाय द वे वो शाहीन नहीं है, चलो इतना बता देता हूँ, वो शाहीन नहीं है, तो आपको ना उसी बंदे को कप्तान बनाना चाहिए था। ये जितना एफ अप किस्म का आपका ये अब चल रहा है ना सारा मामला, ये तो कम अज़ कम ना होता, शायद थोड़ी बहुत ही आप परफॉर्मेंस देकर सुपर एट में बैठ जाते, अभी तो आपको सुपर एट के लाले पड़े हुए हैं ना, यूएस से हारने के बाद आपको सुपर एट के लाले पड़े हुए हैं, आपको नहीं समझ में आ रही कि यार ये क्या चल रहा है। हम मिसाल के तौर के ऊपर हम बात करते रहे हैं कि आज़म खान की कीपिंग फलाना टिमकाना, रिजवान ने पावर प्ले के ओवर में इतनी थर्ड क्लास किस्म की विकेट कीपिंग किया है, इतनी थर्ड क्लास किस्म की विकेट कीपिंग किया कि जिसकी मैं कहता हूँ कि कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती। आपने उसने लेग साइड के ऊपर बॉल पकड़े हैं यार, डाउन दी ऑफ साइड स्टंप तो उनके भी विकेट कीपर ने बॉल पकड़े हैं, आपने कितने भागे रन बना लिए, सवाल पैदा होता है ना, तो यानी कि आपका ना सर ओवरऑल सारे का सारा स्ट्रक्चर इस टाइम पे टीम का तबाह बर्बाद हुआ है। जो मुझे पहले फॉलो कर रहे हैं जब ये टीम शीम बन रही थी एंड ऑल दैट, उनको बड़े अच्छे तरीके से पता कि मैं बाबर आजम के कप्तान बनने के फेवर में नहीं था, मैं तो शाहीन को कप्तान से हटाने के फेवर में नहीं था, मैं उस टाइम पे सर आपने गलती कर दी थी बाबर को कप्तान नहीं से हटाकर शाहीन को बनाकर, आप उसी पर स्टिक रहते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग आप उसी पर स्टिक रहते हैं, ये आपने बहुत बड़ा जंजाल पूरा खोल दिया, और इस जंजाल पूरे में आप वर्ल्ड टी20 नहीं जीत सकते, ये क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ ना, आप यकीन करें मैं हवाई फायर नहीं मारता, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ मैं हवाई फायर नहीं मारता, मुझे कहीं से कोई चीज़ पता लगती है तो मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। आपकी टीम में इतनी ज़्यादा सेग्रीगेशन है ना इस पर्टिकुलर टाइम में भी, कि इस इतनी इस बड़ी सेग्रीगेशन के साथ आपका आगे जाना बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। टू सम एक्सटेंट मैं आपको एक और जाते जाते ना एक बात बता दूं, हमारी टीम का इस पर्टिकुलर टाइम में इतना बुरा हाल है कि इमाद वसीम की जो साइड स्ट्रेन की इंजरी है ना, उसके आगे तक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, उसके आगे तक सवाल का निशान लगा हुआ है, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँ। ये अब आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ें खुलेंगी ना, फिर आप लोग मेरी ये वीडियोज़ याद रखिएगा, मैं खुल कर नहीं बोल सकता ऑब्वियसली यार, कुछ सौ बंदे की मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन जब लोग बातें करना शुरू करेंगे ना, याद रखिएगा कि फारू ने ये चीज़ें हमें पहले ही इशारे किनारों में बता दी थी। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।